हिमाचल में बारिश के येलो अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में सुबह के समय हुई बारिश ने जमकर अपना कहर बरपाया। 2 घंटे हुई झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण शिमला के खलीनी बाईपास में एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके मलबे में एक गाड़ी चपेट में आ गई, तो वहीं सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। हालांकि नगर निगम द्वारा उम्रदराज और खतरा बने पेड़ों को काटने की कवायद पिछले साल हुई बरसात के बाद से शुरू की है, लेकिन अभी तक केवल जायजा ही लिया गया है और यह कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया है और ये उम्रदराज पेड़ यूं ही जमींदोज हो रहे हैं। हालांकि इस पेड़ से कोई खासा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये उम्रदराज पेड़ कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब हो सकते हैं। वहीं कल्लोक वार्ड के पार्षद आलोक पठारा ने कहा कि इस जगह पर नगर निगम की पार्किंग बनाने का कार्य किया जा रहा है और काफी समय से यहां कुछ क्षेत्र पर स्लाइड भी हो रहा है। हालांकि नगर निगम व वन विभाग द्वारा इस पेड़ का जायजा लेकर इसे खतरा बने पेड़ों में शामिल किया गया था, लेकिन आज भारी बारिश के कारण यह पेड़ गिर गया है। एक्चुअल में हमारी यहाँ एक बड़ी पार्किंग बन रही है, तो ठेकेदार का नुकसान तो हुआ ही है, 2-4-5 लाख का नुकसान हुआ है ठेकेदार का, और बड़ा पेड़ था ये, काफी टाइम से स्लाइड हो रहा है एरिया ना, तो उसके कारण आज ये बरसात काफ़ी हुई, तो उस कारण ये गिर गया आज पेड़। नुकसान ऐसे तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा है सच कोई नुकसान नहीं, बस ये पेड़ गिरा है और थोड़ा ठेकेदार का नुकसान है। रास्ता भी काफ़ी देर से बंद हुआ है। हाँ, रास्ता बंद है, लेकिन इन टाइम ये फॉरेस्ट वाले आ गए यहाँ पे, पुलिस प्रशासन भी टाइम से पहुँच गया था, लेकिन पेड़ काटने में, ये पेड़ बड़ा है तो इसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन टाइमली सारा प्रशासन यहाँ आ गया और टाइमली काम शुरू हो गया। और भी कई पेड़ है जो यहाँ पे डेंजर बने हैं? हाँ, लग रहा है पेड़, वैसे ये पेड़ हम लोगों ने विजिट भी किया था, डेंजरस की सूची में डाला भी था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने आप भी डाल रखा था, ये खतरनाक सूची में डाला हुआ है। पेड़ों पर तो चला हुआ ही है, रेगुलर हफ्ते में हम कम से कम 3-4 विजिट्स कर रहे हैं मेयर साहब के साथ, और मैक्सिमम पेड़ जो ऐसे डेंजरस लग रहे हैं वो निकाले जा रहे हैं।